नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज। आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे प्रभात पब्लिकेशन के एसएससी सीजीएल के टीयर वन और टीयर टू के लिए बेस्ट बुक के बारे में। दोस्तों हम बात करेंगे इस वीडियो में, और ये जो बुक है दोस्तों नवीनतम सॉल्व पेपर सहित आपको एक परफेक्ट गाइड देखने को मिलेगा, जिसमें आपको थ्योरी प्लस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिनमें सारे सब्जेक्टों को कवर किया गया। और ये बुक दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको देखने को मिलेगा। ये बुक दोस्तों इंग्लिश मीडियम का, और जिस बुक का अभी हम रिव्यू कर रहे हैं वो हिंदी मीडियम का, ठीक है। दोनों का अलग अलग आपको रिव्यू देखने को मिलेगा। इस बुक के अंदर आपको सामान्य जागरूकता मैथ्स आपको देखने को मिलेगा, मतलब संख्यात्मक है, अभियोग्यता, सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग, उसके बाद इंग्लिश से, उसके बाद आपको कंप्यूटर नॉलेज भी देखने को मिलेगा। और ये बुक दोस्तों नवीनतम जो सिलेबस है और एग्ज़ाम पैटर्न है उस पर आधारित है, और कंप्लीट स्टडी मटेरियल है। इस बुक से आप कंप्लीट एसएससी सीजीएल की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, केवल एक बुक से। यहाँ दोस्तों देख सकते हैं ये प्रभात पब्लिकेशन का ये बुक है, जो कि बहुत ही नामी पब्लिकेशन है। और दोस्तों अगर हम इसके एमआरपी के बारे में बात करें तो इसका एमआरपी 525 रुपये है, जिस पर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। इनके और भी बुक आते हैं, जिसमें ये सार संकलन हो गया एनसीईआरटी का, ये केवल जीके का बुक है, डॉक्टर मनीष रंजन के द्वारा ये बुक लिखा गया है, बहुत ही शानदार बुक है, ठीक है। ये रीजनिंग का बुक हो गया, उसके बाद यहाँ भी रीजनिंग आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा, और कंप्यूटर जागरूकता का अलग से बुक इनका आता है। अगर हम नंबर ऑफ़ पेजेस के बारे में बात करें तो यहाँ नंबर ऑफ़ पेज क्लियर आपको देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे पेज को अलग तरीके से दर्शाया गया, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। एनसीईआरटी की कुछ बुक आते हैं, जिसके बारे में हम वीडियो के अंत में बात करेंगे। चलिए अभी हम इस बुक को देख लेते हैं कि इस बुक में आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले पेज में आपको एसएससी सीजीएल कम्बाइंड ग्रेजुएट एग्जाम टीयर वन और टीयर टू टीम प्रभात के द्वारा ये प्रकाशित किया गया, प्रभात एग्जाम के द्वारा ये प्रकाशित किया गया है, ठीक है। बुक दोस्तों काफ़ी अच्छा है, बुक का कंटेंट आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, 525 रुपये एमआरपी है, जिसपे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट मिल जाएगा। अब दोस्तों आप देखिएगा, यहाँ पे दो सॉल्व पेपर आपको देखने को मिलेंगे, सॉल्व पेपर 1/12/2022, और यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे सॉल्व पेपर 12/4/2022, तो दो सॉल्व पेपर एसएससी सीजीएल के आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें सबसे पहले इतिहास है। इतिहास में दोस्तों आप देखेंगे सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत के सभी टॉपिक है। मैं टॉपिक आपको बता देता हूँ, भारतीय इतिहास के स्रोत है, प्रौग ऐतिहासिक काल, हड़प्पा संस्कृति, धार्मिक आंदोलन, विदेशी आक्रमण, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, उसके बाद गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, मध्यकालीन भारत हो जाएगा, अरबों द्वारा सिंध पर विजय, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य, बहमानी साम्राज्य, धार्मिक आंदोलन, मुगल साम्राज्य और मराठा शक्ति का अभ्युदय। उसके बाद दोस्तों आधुनिक भारत देखने को मिलेगा, उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य, भारत के में यूरोपीय कंपनियों का आगमन व प्रसार, उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार, आलंग मैसूर संघर्ष, आलंग सिख संघर्ष, प्रमुख किसान विद्रोह, 1857 की महान क्रांति, गवर्नर जनरल एवं वायसराय, उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन, उदारवादी युग, उग्रवादी युग, गांधी युग, महत्वपूर्ण जानकारी प्रश्नमाला। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलेगा विश्व एवं भारत का भूगोल, सौर्यमंडल, पृथ्वी की गतियाँ, अक्षांश व देशांतर, विश्व के महासागर, विश्व के महाद्वीप, भूगोल आपको देखने को मिलेगा, भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, भू आकृति, अफवाह तंत्र, मिट्टी, कृषि, महत्वपूर्ण जानकारी प्रश्नमाला, ठीक है। मतलब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हर एक टॉपिक के बाद में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद भारतीय राजव्यवस्था में आपको देखने को मिलेगा राष्ट्रीय प्रतीक, उसके बाद संविधान और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, संसद, न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, मुख्यमंत्री, विधान परिषद, विधानसभा, पंचायती राज्य, महत्वपूर्ण जानकारी और प्रश्नमाला। उसके बाद दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था देखने को मिलेगा, अर्थशास्त्र की शाखा है, अर्थव्यवस्था की का वर्गीकरण, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, आय, राष्ट्रीय आय को मापने की विधियाँ, राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न संकल्पनाएं, राष्ट्रीय आय की गणना, आर्थिक नियोजन, पंचवर्षीय योजना, योजना मुद्राएं, मुद्रास्फीति, बैंकिंग, पूंजी बाजार, जीएसटी, बजट, संपूर्ण जानकारी, उसके बाद क्वेश्चन मतलब प्रश्नमाला देखने को मिलेगा। सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे, प्रश्नमाला देखने को मिलेंगे। तो यहाँ तक जो मुझे दिख रहा है दोस्तों 201 पेज आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ एक से लेकर 201 पेज में आपको थ्योरी देखने को मिलेगा,
10 पेज में आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखने को मिलेगा। तो अभी तक मैंने देखा कि 211 पेज आपको इस बुक के अंदर देखने को मिल रहा है। उसके बाद मैथ्स वाला सेक्शन है, तो मैथ्स वाला सेक्शन है आपको 103 पेज में कवर किया गया, जिसमें जो टॉपिक है मैं आपको बता देता हूँ, संख्या पद्धति, सिंप्लीफिकेशन, दशमलव और भिन्न, लघुत्तम समवर्तक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI, पार्टनरशिप, एवरेज, समय, टाइम वर्क है, और पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी। उसके बाद यहाँ पे चाल, समय, दूरी, ज्यामिति, ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, और आंकड़े का विश्लेषण मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन। उसके बाद रीजनिंग आपको देखने को मिलने वाला है यहाँ 270 पेज में, जिसमें वर्गीकरण, एनालॉजी, वर्ण परीक्षण, श्रृंखला परीक्षण, कोडिंग, डिकोडिंग, दिशा ज्ञात करना, रक्त, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग टेस्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशन, वेन डायग्राम, मैट्रिक्स परीक्षण, उसके बाद कथन निष्कर्ष, बैठक है, सिटिंग अरेंजमेंट है, और नॉन वर्बल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग दोनों आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, सारे टॉपिक है इसमें। उसके बाद दोस्तों आगे देखने को मिलेगा इंग्लिश, इंग्लिश में टेंस, कॉमन एरर, डिटरमिनेंट्स, आर्टिकल, स्पेलिंग टेस्ट, प्रीपोजिशन, सिनोनिम्स, एंटीनोम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, आइटम्स, फ्रेजेज, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कॉम्प्रीहेंशन। उसके बाद कंप्यूटर ज्ञान आपको देखने को मिलेगा लास्ट में। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ पेज के बारे में हम बात करें तो 103 पेज मतलब 314 पेज हो गया, और यहाँ पे 70 पेज मतलब 384 प्लस में 52, 384 प्लस में 52 मुझे लगता है 436 होना चाहिए, 436 प्लस में 3, 440 पेज के आसपास आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, आगे दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखने को मिलेगा। प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, पेपर क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। अब दोस्तों आप देखेंगे, सबसे पहले आपको सेक्शन वाइज इन्होंने दिया हुआ है, रीजनिंग का टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, और ये जो है प्रथम चरण का एग्जाम हुआ था, मतलब Tier 1, 1/12/2022। यहाँ पर आपको सारा क्वेश्चन रियल आपको देखने को मिलेगा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको इस बुक के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद सामान्य जागरूकता का क्वेश्चन है दोस्तों, उसके बाद आपको मैथ्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, टोटल आपको टीयर वन में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद डिटेल सॉल्यूशन काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस बुक में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, बहुत ही शानदार सॉल्यूशन आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सामान्य जागरूकता का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, कोई भी कमी नहीं है दोस्तों इस बुक के अंदर। ठीक है, बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। ठीक है, इस बुक में कोई भी कमी नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज आपको देखने को मिल जाएगा, उसका भी सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। उसके बाद 12/4/2022 से कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम प्रथम चरण के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा एक बुक में आपको दोस्तों, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद आपको कंप्लीट गाइड देखने को मिलेगा। सबसे पहले सामान्य जागरूकता का गाइड आपको देखने को मिलेगा, जो भी आपको थ्योरी दिया गया वन लाइनर में दिया हुआ है, बहुत ही अच्छे तरीके से टॉपिक वाइज अरेंज करके दिया हुआ है। सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ प्राचीन भारत है, तो प्राचीन भारत में सबसे पहले साहित्य साक्ष्य देखने को मिलेगा, धार्मिक साहित्य देखने को मिलेगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जो इम्पॉर्टेंट है उसको क्या किया गया है, हाईलाइट किया गया है, बोल्ड किया गया है, जिससे आपका ध्यान डायरेक्ट इन्हीं सब पे जाए। बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, इस बुक को आप ले सकते हैं, बुक में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा, पूरा पसान काल हो गया, सारा कुछ बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ एक्सप्लेन किया गया। धार्मिक आंदोलन हो गया, ईसाई इस्लाम धर्म हो गया, ईसाई धर्म हो गया, पारसी धर्म हो गया, महाजनपदों का उदय हो गया, वैष्णव धर्म हो गया, प्रमुख जैन धर्म एवं तीर्थ हो गया, विदेशी आक्रमण हो गया, उसके बाद बिंदुसार हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा, मुरत्तर काल हो जाएगा, शुंग वंश हो जाएगा, हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया। गुप्त काल हो जाएगा, गुप्त उत्तर काल हो जाएगा, उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश हो जाएंगे, इसके बाद दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश हो जाएंगे, सारा कुछ बहुत ही शानदार तरीके से। इंपॉर्टेंट टेबल भी साथ साथ आपको देखने को मिलेगा, मतलब स्टैटिक जीके को भी इसे बुक में काफ़ी अच्छे तरीके से कवर किया गया है। पूरा GS वाला पोर्शन जो दोस्तों आप देख रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से इसमें आपको गाइड ही देखने को मिलने वाला है। उसके बाद जैसे ये खत्म होगा, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे टॉपिक खत्म होने के बाद। मैं आपको दिखा देता हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी। ठीक है, यहाँ देखिए प्रश्नमाला यहाँ से शुरू हो रही है, और जो क्वेश्चन है दोस्तों काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन का यहाँ कलेक्शन आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, बुक में कोई भी कमी नहीं है दोस्तों, बुक बहुत ही ज़्यादा शानदार है, इस बुक को आप परचेज़ कीजिए, बुक में कहीं भी आपको कोई कमी देखने को नहीं मिलने वाला है। ठीक है ना, तो आप लोग कमेंट करके दोस्तों मुझे बताइएगा कोई भी आप लोग के मन में डाउट होगा, तो यहाँ आंसर की आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ भारतीय राजव्यवस्था हो गया, राष्ट्रीय प्रतीक हो गया, संविधान हो गया,
उसके बाद दोस्तों राष्ट्रपति हो गया, उसके बाद यहाँ पे सारा कुछ है, मतलब एक जो ये इंडियन पॉलिटिक्स है ना, भारतीय राज्य व्यवस्था है ना, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने कवर किया है टॉपिक वाइज, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी कलेक्शन आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो एक ही बुक के अंदर आपको काफ़ी कुछ है देखने को मिलेगा दोस्तों, हर एक पहलू को यहाँ ध्यान में रखा गया और कंप्लीट सिलेबस को बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ कवर किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी आपको अलग से देखने को मिल जाएगा, कुछ उपयोगी जानकारी है तो उसको इस तरह से बॉक्स में हाइलाइटेड करके दिया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा तो उसको टेबल में फैक्ट के रूप में दिया गया है, ठीक है। सारा कुछ इस बुक में आपको देखने को मिलेगा बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो बुक को आपको लेना चाहिए दोस्तों, देखिए कितने अच्छे से क्लासीफाई करके यहाँ साइंस को समझाया गया है, और यहाँ इंपॉर्टेंट टेबल आपको देखने को मिल जाएगा जो डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ प्रश्नमाला आपको देखने को मिल जाएगा। फिर मैथ्स वाले सेक्शन को मैं दिखाऊं तो मैथ्स वाले सेक्शन में आपको सबसे पहले थ्योरी देखने को मिलेगा, ठीक है। थ्योरी के साथ साथ आपको यहाँ प्रश्नमाला देखने को मिलेगा, जैसे आपको थ्योरी खत्म होता है तो उसके बाद प्रश्नमाला उदाहरण भी आपको देखने को मिलेगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे सारा कुछ समझाया गया है, ठीक है। यहाँ पे लगभग आपको 38 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसके बाद आपको डिटेल सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन आपको देखने को मिलेगा। ये सिंप्लीफिकेशन हो गया, सिंप्लीफिकेशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से, बोर्ड मास क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल निकालने का तरीका क्या होता है, प्रश्नमाला क्या होता है, सारा कुछ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन का कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। एक ही बुक से आपका दोस्तों सारा कुछ तैयार होने वाला है। चलिए हम देखते हैं आगे, ज्योमेट्री वाला सेक्शन दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से सारे कुछ को समझाया गया, जो भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे तरीके से यहाँ पे बताया गया क्वेश्चन आंसर और एग्जांपल के साथ। तो मैथ से मैं आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। उसके बाद रीजनिंग देखिएगा, यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग है, तो सबसे पहले थ्योरी को कवर किया गया है, उसके बाद क्या किया गया दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किया गया है, ठीक है। उसके बाद दिशा ज्ञान हो गया, तो यहाँ सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा, मतलब रीजनिंग को भी बहुत अच्छे तरीके से कवर किया गया है। ये इंग्लिश वाला सेक्शन है, तो सबसे पहले थ्योरी में आपको समझाया गया है कि एक्टिव पैसिव क्या होता है, उसके कुछ एग्जाम्पल बताया गया है, फिर आपको क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे, मतलब एक्सरसाइज आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर अंतिम में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आंसर की आपको बताया गया है। तो बुक दोस्तों काफ़ी बेहतरीन आपको लगने वाला है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इंग्लिश के बाद अगर हम देखें, यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज भी आपको देखने को मिल जाएगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्यूटर के पहले थ्योरी को समझाया गया है जिससे आप कंप्यूटर को बेहतरीन तरीके से समझ सके। उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा आंसर की आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो बुक दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है, इस बुक को परचेज कीजिए, बुक में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।